हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन। एरोगेंट बॉय पिटेंट टू हैव ए लवली बॉयफ्रेंड का पार्ट 23 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही मंथ बीते जा रहा था। जंगकुक खुद भी अब दूसरे गेस्ट रूम में रहना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि तोंग उसे उसके रूम में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है, जिस वजह से जंगकुक अब ना तो अपने बेडरूम में वापस जा सकता है क्योंकि वहाँ पर लिया रह रहा था। तो फिर जंगकुक के पास दूसरे गेस्ट रूम चूज करने के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं था और जंगकुक वहाँ पर ही रह रहा था। पर जंगकुक एक चीज नोटिस किया था और वो था तोंग के स्टमक जो दिन दिन बड़ा हो रहा था, और जंगकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। वो कभी कभार तोंग से क्वेश्चन पूछना चाहता है पर उसके अंदर वो हिम्मत नहीं था क्योंकि उसे डर लग रहा था। अगर जंगकुक जिस वजह से डर रहा है, अगर तोंग वही बोल दिया तो फिर जंगकुक क्या करेगा। और इस वजह से जंगकुक कभी भी इस बारे में तोंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर जंगकुक और इसे ले भी नहीं पा रहा था और वो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। और जंगकुक तोंग की तरफ ही घूर रहा था जब डिशेज वॉश कर रहा था। तब तोंग डिशेज वॉश करने के टाइम पर अचानक से अपने वेस्ट के अराउंड किसी की बिग हैंड फिल करता है। तब इसे फिल करने के बाद ही तोंग अपने काम वॉइस में कहता है, जंगकुक हक करना बंद करो, जल्दी से हक को ब्रेक करो। अगर लिया तुम्हें इस तरह से मेरे साथ देख लिया तो फिर वो जिलस फील करेगा और तुम दोनों के बीच में फाइट होगा, तो फिर जल्दी से अब हक को ब्रेक करो। तब जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं उसके बारे में क्या नहीं करती हूँ कि वो मुझे देख लेगा या फिर नहीं, ऐसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो अभी भी। तब तोंग कहता है, शायद हम लोग नहीं हैं। तब जंगकुक कहता है, क्यों नहीं हम, मैं पेपर पर साइन किया हूँ। तब तोंग कहता है, पर मैं कर दिया हूँ और मैं तुम्हें पेपर दे भी दे दिया हूँ। तब जंगकुक कहता है, तो फिर मुझे वेट करने के लिए क्यों कह रहे हो कि मुझे वेट करना चाहिए और कुछ मंथ बोलो। तब तोंग कहता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी और कुछ मंथ हम लोग एक साथ रहें, क्योंकि अब तक मैं यहाँ से जाने के लिए कोई रीज़न ढूंढ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है बाहर जाने के बाद मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो फिर इस वजह से मैं तब तक यहाँ पर रहना चाहती हूँ और तब तक मैं यहाँ पर तो ऐसे ही नहीं रह सकती हूँ, इस वजह से तुम्हारे नाम के हस्बैंड ही सही है। तब जंगकुक तोंग को अपनी फिर से काम वॉइस में कहता है, ऑनेस्टली बोलो कि तुम ये कहना चाहते हो कि हम दोनों फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं, राइट? और तुम इसीलिए मुझे रोक रहे हो ताकि मैं पेपर पर साइन ना कर दूँ और इसे मैम अब अदालत पर ना दूँ, क्योंकि तुम्हें पता है अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर मैं खुद ही जेल में चले जाऊँगी इस टाइम पर तुम्हें छोड़ने के लिए। तब तोंग एकदम से चुप हो जाता है। तब जंगकुक कहता है, मुझसे छुपा क्यों रहे थे? और ये कहकर जंगकुक तोंग की लिटिल टमी को रफ करने लगता है। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, कोई भी रीज़न नहीं है। तब जंगकुक कहता है, कोई तो रीज़न है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो। तब तोंग कहता है, मैं कहा हूँ कोई भी रीज़न नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तब जंगकुक कहता है, ओके छोड़ो, इस सारे बातों को मैं भूल जाती हूँ कि तुम मुझे नहीं बोलना चाहते थे, मैं छोड़ देता हूँ, पर तुम मेरी क्या एक बात का आंसर कर सकते हो? तब तोंग कहता है, हाँ बोलो। तब जंगकुक कहता है, हम लोग अगर सच में अलग हो जाते हैं फ्यूचर में तो फिर तुम क्या सच में किसी और के साथ मूव ऑन कर लोगे? तब तोंग कहता है, तुम मूव ऑन कर लिया हो तो फिर मेरी क्या प्रॉब्लम है? तब जंगकुक तुरंत कहता है, पर तभी तोंग कहता है, ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊँगी, जाकर भी नहीं, क्योंकि फ्यूचर में अगर मैं मूव ऑन किया और मैं किसी और के साथ रहने लगा तो फिर यहाँ पर दो प्रॉब्लम होगा। पहले बात, मैं यहाँ पर मेरी और तुम्हारी जो चाइल्ड होगा मैं उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊँगी और उसके साथ किसी को भी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं मेरी चाइल्ड से लव करती हूँ जिस तरह से मैं तुम्हें क्या था, और मैं मेरी चाइल्ड को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकती हूँ जो शायद मैं तुम्हें भी नहीं कर सकती हूँ, और इस वजह से मैं मूव ऑन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा बैड डिसीजन होगा, क्योंकि उसके बाद मुझे मेरे सेकेंड हस्बैंड को टाइम देना होगा और उसके साथ अगर मेरी कोई चाइल्ड हुआ तो फिर मुझे उसे भी टाइम देना होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, मैं मेरी दोनों चाइल्ड के साथ ही हैप्पी रहूँगी।
और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, मैं खुद की लाइफ खुद की तरह से ही बना लूँगी, मेरी खुद की वर्ल्ड होगा। तब इस सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है, तो फिर तुम चाहते हो जब मेरी अनबॉर्न चाइल्ड इस वर्ल्ड में आएगा तब वो मुझे डैड ना समझ कर कोई और समझने लगे। तब तम कहता है, शायद हम लोग फ्रेंड बनकर रह जाएंगे, पर यहाँ पर मैं ये नहीं कहा हूँ कि वो लोग तुम्हें डैड नहीं समझेगा। मैं उन लोग को ऑनेस्टी के साथ सब कुछ बोल दूँगी और अलग होने के रीज़न भी बोल दूँगी, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर मैं 30% था, तो फिर 30% को हमेशा ही उन दोनों लव बर्ड्स के अंदर से चले जाना चाहिए। तो फिर मैं चले जाऊँगी और मैं बोल दूँगी कि मैं 30% था, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? मैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं देख पा रही हूँ। और तुम अगर हक को ब्रेक करोगे तो फिर मैं सबसे ज़्यादा खुश फील करूँगी, क्योंकि मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक सैड हो जाता है और कहता है, तुम्हें अनकम्फर्टेबल कभी भी मेरे हक से फील नहीं होता है, आज तुम झूठ कह रहे हो। तब तुम कहता है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है। तब जंगकुक कहता है, नहीं तुम फिर से झूठ कह रहे हो, तुम हमेशा कहते हो तुम मेरी हक में रिलीफ फील करते हो, सेफ फील करते हो, तो फिर आज क्यों नहीं कर पा रहे हो? तब तुम कहता है, क्योंकि आज तुम मेरा नहीं हो और इसी वजह से शायद मैं फील नहीं कर पा रही हूँ जैसे मैं पहले फील करता था। तब जंगकुक तुम को कहता है, मैं अभी भी तुम्हारा हूँ। तब तुम सिर्फ स्माइल करता है और अपने आंसू को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करने की ट्राई करता है और कहता है, जो भी हो भूल जाओ, मैं और पास्ट को याद नहीं करना चाहती हूँ जो मुझे हर्ट करता है, और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ तुम सिर्फ ये सोचो कि हमारी शायद एक मिस्टेक था, एक ब्यूटीफुल मिस्टेक था जिसे मैं पसंद करती हूँ और मैं आगे भी यही मिस्टेक करना चाहूँगी, पर आगे शायद हम लोग नहीं रहेंगे एक साथ, तो फिर मिस्टेक की कोई भी बातें नहीं होता है, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी दोनों शैल में से कोई भी कभी भी तुम्हें डिस्टर्ब तक नहीं करेगा और मैं भी नहीं करूँगी, तो फिर तुम्हें इतनी ज़्यादा मेरे साथ स्वीट बनने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तुम अपनी लाइफ में हैप्पीली रह सकते हो। और तुम गेस्ट रूम में क्यों रहते हो? तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए। तब जंगकुक ये सुनकर इरिटेट हो जाता है, वो कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम के साथ टाइम को स्पेंड करना चाहता है, वो टॉपिक को सेंस करना चाहता है, पर तुम नहीं कर रहा है। तब जंगकुक कहता है, मैं उसके साथ नहीं रह रही हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? तब तुम कहता है, क्यों, तुम तो उसके साथ वीक के बाद वीक बाहर रह रहे थे क्योंकि तुम उसके अलावा नहीं रह सकते थे। तब जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं, लीशियन बीमार था इसी वजह से मैं वहाँ पर था, पर मैं प्रॉमिस करके कह रही हूँ, मैं रात में बिल्कुल भी उसके घर में नहीं था, मैं रात में मेरी कंपनी में रहता था क्योंकि मुझे वर्क भी करना पड़ता था और दिन में लीशियन को देखने के लिए भी जाना पड़ता था, उसकी देखभाल भी करना पड़ता था, इसी वजह से बन और कोई भी रीज़न नहीं था। तब तंग हूँ कह देता है। तब जंगकुक कहता है, तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें प्रूफ दे सकती हूँ। तब तुम कहता है, मुझे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, मैं एक चाइल्ड नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, तो फिर तुम एक बेबी की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तब तुम कहता है, इसे क्या बेबी की तरह बिहेव करना कहते हैं? तब जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तब तुम कहते हैं, और मुझे इग्नोर करना वो क्या मेरे लिए ठीक था? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस तरह की पर्सन होंगी जो सिर्फ तुम्हारी मनी के लिए तुम्हारी घर में पड़ा रहेगा, तुम जो चाहे वो कर लोगे और मैं उस सब कुछ देखते रहूँगी? सीरियसली तुम रिस्क हो सकते हो। आई नो कि मैं अब मेरी फैमिली के साथ नहीं हूँ, तो फिर मैं अब रिस्क नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या नहीं करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड करने के लिए तुम्हारी हर एक चीज़ को देख कर भी ब्लाइंड बनने की एक्टिंग करूँगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं और जिसी तुम्हारे लिए हमेशा क्रेजी हैं और हम दोनों ही तुम्हारे लिए हमेशा वेट करते थे, और तुम्हें पता है कि हम लोग हमेशा एक साथ डिनर करना भी पसंद करते हैं, और इस वजह से
मैं और जैसे हमेशा तुम्हें लिमिट करते थे, पर तुम कभी भी एक मैसेज तक करने की ज़रूरत नहीं समझे। तुम सिर्फ मुझे झूठ कह रहे थे कि तुम वर्क में बिजी थे। ये तुम्हारी वर्क था तो फिर तुम वर्क के नाम ही बोल सकते थे कि तुम इस वर्क की वजह से बिजी थे। और उसके साथ तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था? मुझे सब कुछ पता था और अब मेरे लिए सब कुछ इनफ है। मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कामली बातें कर रही हूँ ताकि तुम समझ पाओ। और मैं तुम्हें ना तो हार्ट भी करना चाहती हूँ। अब प्लीज़ तुम क्या हक को ब्रेक कर सकते हो? मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि लिया इसे देखकर मुझे उसके एनीमे समझने लगे और मुझे थोड़ा सा भी हिट करने की ट्राई करे और मेरे अनबॉर्न सन को थोड़ा सा भी हार्ट भी करे। तब इसे सुनकर जंगकुक को अपने सच में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और जंगकुक तांग को कहता है, प्लीज़ तांग इस तरह से मेरे साथ बातें मत करो। तब तांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ कब रूट बना हूँ? कभी भी नहीं। तो फिर तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रूट तरीके से बातें कर रही हूँ? तब जंगकुक कहता है, मुझे मेरी फैमिली से अलग मत करो। तब तांग कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से अलग नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ जोड़ने की ट्राई कर रही हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, कहाँ पर? तुम चाहते हो कि मैं मेरी सन और डॉटर को भूल जाऊँ? सीरियसली मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तब तांग कहते हैं, मैं सिर्फ जिसे को मेरे साथ लेकर जा रही हूँ। तुम्हारी सन को कौन लेकर जा रहा है? ली शेन तुम्हारे साथ ही रहेगा, मैं उसे मेरे साथ लेकर नहीं जा सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है, मैं ली शेन के बारे में बातें नहीं कर रहा था। तुम अभी कह रहे थे कि अब मेरी एक अनबर्न सन भी है। तब इसे सुनकर तांग अपने काम भविष्य में कहता है, हाँ मैं उसे भी लेकर जाऊंगी। क्यों मैं उसे तुम्हारे साथ छोड़ कर जाऊंगी? तुम्हें क्या लगता भी है मैं उसके स्टेप मॉम के साथ उसे छोड़ कर जाऊंगी? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, भूल जाओ। तब जंगकुक कहता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, तुम भी रुक जाओ। तब तांग कहते हैं, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर ली शान लिया और मेरी दोनों शैली के साथ रुक जाओ, राइट? तब जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें मैं एक मैड लगती हूँ? सीरियसली ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, हम लोग इस तरह से नहीं रह सकते हैं। तुम कभी भी हम दोनों को इक्वल टाइम नहीं दे सकते हो, ये बात हमेशा याद रखना। और तुम्हें पता है जैसे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और मैं नहीं चाहती हूँ मेरी अनबॉर्न सन आने के बाद भी ये सब कुछ देखे और उसके बाद जब तुम्हारी गुस्सा आ जाए तब तुम मेरे चाइल्ड को लेकर उल्टा सीधा वर्ड यूज़ करने लगो और मैं इसे हर बार सुनती रहूँगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर मिस्टर जून, अब तुम्हें समझना चाहिए कि हम दोनों ऑलरेडी अलग हैं और हम दोनों अब एक नहीं हो सकते हैं और मैं होप करूँगी कि तुम समझ सकते हो। एक कहकर तांग फोर्सफुली जंगकुक के हाथ को अब अपने ओस्कर से हटा देता है। तब जंगकुक तांग को अपनी आंसू भरी आइस के सब कुछ कहने ही वाला था पर ऊपर से जंगकुक जैसे कि चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। तब इसे सुनकर जंगकुक जो जल्दी से ऊपर की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है और वो ऊपर जाने के बाद देखता है जैसे ली शियान के ऊपर शाउट कर रहा था और वो शाउट करते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुम मेरी बारे में उल्टा सीधे बातें करते हो, तुम सच में एक बैड पर्सन हो, तुम मेरे डैड को मेरे पास से सीन लिया हो, तुम कौन होते हो, तुम सच में एक बुरा इंसान हो और तुम यहाँ पर रहने के लिए बिल्कुल भी लायक भी नहीं हो, तुम सिर्फ अपने मॉम के साथ यहाँ से बाहर चले जाओगे, तुम एक गंदे इंसान हो। तब ये सुनकर ली शियान कहते हैं, तुम एक बैड पर्सन हो, मैं नहीं हूँ और तुम मेरे डैड के बारे में उल्टा सीधा बातें नहीं कर सकते हो, वरना तुम्हारे साथ मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा कुछ कर दूँगी, मैं डैड को जाकर सीधा बोल दूँगी। तब जिसे कहते हैं, तुम क्या बोलोगे? हाँ अगर तुम ज़्यादा कुछ बोलने की ट्राई किए तो फिर देखना मैं तुम्हें बहुत ही ज़ोर से स्लैप मारूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है कि जैसे इतनी ज़्यादा बैड तरीके से बातें कैसे कर सकता है, उसे इस तरह से बैड तरीके से बातें नहीं करना चाहिए। और जंगकुक गुस्से में आते हुए जैसे कि हाथ को टाइटली पकड़ कर कहते हैं, जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से बातें कर रहे हो, तुम ली शान के साथ इतनी ज़्यादा बैड तरीके से बातें नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारी एल्डर है,
उसके साथ रिस्पेक्टफुली बातें करो। तब ये सुनकर जिसे एकदम से शौक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ अपने पप्पे इसके साथ देखने लगता है। जंगकुक फर्स्ट टाइम उसके ऊपर शाउट किया था और उसके हाथ को इतनी ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा था और जिसे को पेन भी हो रहा था और वो अपनी आंसू भरी आइस के साथ कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, वो मेरी एल्डर है या तो नहीं है, वो सिर्फ एक बैड पर्सन है और मैं बैड पर्सन से हेट करती हूँ, वो मनने की। तभी जंगकुक जिसे को एक जोर से स्लैप मार देता है और कहता है, लोगों के बारे में इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है तुम उसे कट्स कर रहे हो। तब जिसी अपनी फेस को अपने हाथ से कवर कर लेता है और वो रोने लगता है। तब जंगकुक जिसी के ऊपर फिर से शाउट करते हुए कहता है, तुम जानते हो तुम सच में अब लिमिट से बाहर चले गए हो, ये सब कुछ मेरी गलती है तुम्हें इतनी ज़्यादा प्यार देने की वजह से। तब जिसी रोते हुए कहता है, मैं नहीं जानती हूँ आप कौन है और मैं आपके बारे में क्या नहीं करती हूँ। और एक हैकर जिसे जो अपने दूसरे हाथ में एक ब्यूटीफुल नेकलेस को पकड़ कर रखा था और उसमें एक हार्ट भी था जो पर्पल कलर का था और जिसे को ये हमेशा पसंद था, और जिसे गुस्से से जंगकुक की तरफ उस नेकलेस को फेंकते हुए कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मैं इससे सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ और इससे देने वाला मैं और भी ज़्यादा उसे हिट करती हूँ। तब जंगकुक सिर्फ उस नेकलेस की तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक को याद आ जाता है जंगकुक ये नेकलेस जिसे को गिफ्ट किया था और जिसे को ये हमेशा पसंद था। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था। तब जिसे गुस्से से चिल्ला कर कहता है, मैं कभी भी और इस नेकलेस को टच भी नहीं करूँगी, मेरी गलती था कि मैं इसे लेने के लिए इस रूम में आया था जो मुझे कभी भी नहीं करना चाहिए था, और यहाँ पर आने के बाद ये बैड बॉय मुझे कह रहा था कि मैं यहाँ पर चोरी करने के लाई हूँ, सच में मेरे रूम में मैं ही चोरी करने के लाऊंगी, कभी भी ऐसा हो सकता है, और यहाँ पर उसके डैड आकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर मेरे डैड यहाँ पर होता तो फिर मैं श्योर होकर कह सकती हूँ कि अब तक इस बैड पर्सन के डैड की माउथ को पंच मार के तोड़ देता, पर अनलकीली मेरे तो डैड ही नहीं है क्योंकि मैं तो एक मिस्टेक हूँ ना, तो फिर मेरे डैड कहाँ से आएगा, सिर्फ मैं एक मिस्टेक हूँ। और एक हैकर जिसे रोते हुए दौड़ते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। तब तंग साइड से सब कुछ देख रहा था और उसके आइस में आंसू था, पर तंग कुछ भी नहीं कहता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए एक लंबा सांस छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक था और जंगकुक ली शियान की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, ये सब कुछ क्या था, जिसे जो भी कुछ कहा है वो सब कुछ सच था। तब ली शियान कहता है, हाँ वो मेरे रूम में चोरी करने के लाया था। तब तुरंत जंगकुक गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो फिर कम से कम बातें मत क्या करो, उसके पास सब कुछ है तो फिर वो चोरी क्यों करेगा, तुम उसके साथ पहले तो बहुत ही बुरी तरह से बातें किया हो, इसी वजह से शायद वो तुम्हारे साथ इस तरह से बातें कर रहा था, तुम्हें पता होना चाहिए कि जिसे एक गुड गर्ल है तो फिर तुम उसके साथ इस तरह से बातें कैसे कर सकते थे। तब ली शियान कहता है, पर वो सच में आया था। तब जंगकुक कहता है, दोबारा से कुछ ना जाने कभी भी कुछ भी नहीं करोगे तुम। और एक हैकर जंगकुक गुस्से से जल्दी से उस नेकलेस को उठा लेता है और जल्दी से टाउन को फॉलो करते हुए गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। वो जाने के बाद देखता है तंग जैसे को डोर ओपन करने के लिए कह रहा था, जो जैसे नहीं कर रहा था। तब जंगकुक खुद भी डोर पर नॉक करता है और कहता है, जैसे प्लीज़ डोर को ओपन करो, देखो डैड बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, डैड को पता नहीं था सच, प्लीज़ डैड को माफ़ कर दो, कभी भी मैं दोबारा से तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊँगी, तुम जानते हो ना मैं गुस्से में आने के बाद एकदम क्रेजी हो जाती हूँ और गुस्से में सब लोग गलती करता है, तो फिर मुझे भी माफ़ कर दो प्लीज़। पर अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं था। तब तंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहते हैं, यहाँ से जाओ जंगकुक, तुम सब कुछ और भी ज़्यादा मैस कर दोगे। तब जंगकुक कहते हैं, मैं क्यों जाऊँगी, वो मेरे साथ मंथ की बाद मंथ बातें नहीं किया है, तुम्हें लगता भी है मैं हैप्पी हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और आज मैं सबसे बड़ा गलती किया हूँ उसे स्लैप मार के, मुझे नहीं करना चाहिए था। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, अगर तुम इतनी ही ज़्यादा सैड फील कर रहे थे तो फिर तुम्हें कम से कम समझना चाहिए कि शाल के सामने कभी भी बैड वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए। तब
इसे सुनकर शंकु कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, पर मैं कभी भी जिसे के सामने कोई भी बैड वर्ड यूज नहीं किया हो, तो फिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, कभी भी नहीं। तब जंगो कहते हैं, कभी भी नहीं। तब तंग कहते हैं, छोड़ दो। तब जंगो कहते हैं, मैं क्यों छोड़ू, जिसे कह रहा था वो एक मिस्टेक है, पर मैं कभी भी उसे ये नहीं कहा हूँ। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते हैं, उस मंथ पहले जब तुम एक दिन डंक होकर घर में वापस आए थे, और तुम्हें याद है तुम सुबह के 12 बजे उठे थे, राइट? और उसी दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में थे और ये हम लोग देखे थे, पर उसके पहले नाइट में तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे बातें किए थे। तुम मुझे ये कह रहे थे कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था, मुझे तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहिए था। ओके, मैं मान लिया, इसे मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं क्या नहीं करती हूँ। पर जिसे तुम उसे कह रहे थे वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक मिस्टेक है, अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो फिर सब कुछ ठीक होता। तो फिर मुझे बोलो, वो क्या सच में एक मिस्टेक था? तो फिर तुम इतने सालों से सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, उसे इतनी ज़्यादा प्यार देने की, इतनी ज़्यादा स्वीट बनने की, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग था और कुछ भी नहीं। और इसी वजह से जिसे तुमसे बहुत ही ज़्यादा सैड है, और वो तुम्हारे साथ इसी वजह से बातें नहीं करता है, क्योंकि उसे अब यही लगता है वो सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक है जो सब कुछ मैस कर दिया है। और इतनी ज़्यादा स्मॉल होने के बाद भी तुम जानते हो वो सब कुछ समझ सकता है, और वो इसी वजह से तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अब तुम्हें जबकि सच याद आ रहा है, तो फिर अब यहाँ से तुम जा सकते हो जंगू, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ और मैं सब कुछ संभाल भी सकती हूँ, तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सन को जाकर संभालो, शायद वो सैड होगा, उसे जाकर समझाओ, यहाँ पर मत आओ। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहा था ना। तब तंग कहते हैं, तुम कहे थे, इसी वजह से सब कुछ हुआ है। तब जंगकुक कहते हैं, नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं जिसे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ वो मेरी ओनली वन प्रिंसेस है, मैं कैसे सारी बातें कह सकती हूँ। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं, पर जंगकुक तुम बोला हो, तुम कैसे अब इतनी ज़्यादा एक्टिंग कर सकते हो, प्लीज़ अब हम दोनों की लाइफ से चले जाओ, मैं अब टायर्ड हो रही हूँ ये सब कुछ देखते देखते, मैं खुद भी एक इंसान हूँ जिसे हार्ट हो रहा है, प्लीज़ तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रह सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं, क्यों हम दोनों को बार बार तुम हार्ट करने के लिए लगे हुए हो, प्लीज़ और हार्ट मत करो, मैं टायर्ड हूँ, प्लीज़ यहाँ से जाओ। तब जंगकुक रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ ताऊ मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं कोई भी उल्टा सीधा बातें उस दिन क्या था, प्लीज़। तब ताऊ कहते हैं, मैं तुम्हें कब का ही माफ़ कर दिया हूँ, क्योंकि इसमें माफ़ी की बात ही नहीं आता है, क्योंकि यह सब कुछ ट्रू था, तो फिर यहाँ पर माफ़ी कैसे आता है, और ज़्यादा फिक्र मत करो। तब जंगकुक ताऊ को कहता है, आई एम सॉरी ताऊ। तब तंग कहते हैं, इट्स ओके, यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और जिसे कुछ देर बाद ही डोर को ओपन कर देगा जब उसकी गुस्सा शांत हो जाएगा, तुम्हें पता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे दोबारा से माफ़ कर दो। तब तंग कहता है, मैं कहा था यहाँ पर माफ़ी की बात नहीं है। तब जंगकुक के आइस में रेड हो जाता है, यही सोच कर कि वो कितनी ज़्यादा बैड पर्सन है, वो अपने इतनी ज़्यादा लिटिल से डॉटर पर हाथ उठाया है, जो जंगकुक कभी भी ड्रीम में भी नहीं सोच सकता है, और इतने ज़्यादा बैड वर्ड को भी यूज़ किया है, जो जंगकुक की लाइफ की सबसे बड़ा गलती था, और इसी वजह से उसकी प्रिंसेस इतने ज़्यादा टाइम से उसे इग्नोर कर रहा था, और जंगकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था। तब तंग जंगकुक के फेस को देखते हुए कहते हैं, तुम जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, और जिसे को मैं जल्दी ही बाहर भी लेकर आऊँगी, तुम जाओ, वरना जिसे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है वो अगर किसी से नाराज़ हो जाए तो फिर वो कितने ज़्यादा बैड तरीके से नाराज़ हो जाता है, तो फिर प्लीज़ अब यहाँ से तुम जल्दी से जाओ। तब जंगकुक कहता है, प्लीज़ उसके साथ बातें करने की ट्राई करो, मैं जल्दी ही उसके साथ फिर से बातें करने की ट्राई करूँगी। तब तंग कहता है, ओके मैं करती हूँ। तब जंगकुक
ताऊ की तरफ देखता है और उसके बाद सैड होते हुए जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तब ताऊ एक लंबा सांस छोड़ता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।